What's up guys, I hope you are doing well. My name is Om, welcome to Academisha. आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में और ये क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिकली आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. सो मूविंग फॉरवर्ड, देखो इंडेक्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू रिलीज़ की गई है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि MCQ में ये पॉइंट आपको दे सकते हैं. ओके, और ये लगभग 60,000 पीपल को इस सर्वे में इंक्लूड किया गया था. ओके, और इसमें 100 सिटीज़ को 2007 से ही इसमें स्टडीज़ चालू है और फाइनली 111 सिटीज़ को इस लिस्ट में कैटेगराइज किया गया है. ओके, और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट चार पिलर्स डिवाइड किए गए हैं जिसमें 15 सब कैटेगरीज हैं. पहला इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक और फिज़िकल. इंस्टीट्यूशनल में आ जाता है आपका गवर्नेंस, कि वहाँ पे आपकी गवर्नेंस कैसी है. फिर आपके सोशल्स में आ जाते हैं एजुकेशन, सोसाइटी एंड सेफ्टी, हेल्थ, इंडस्ट्री एंड कल्चर. फिज़िकल में आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी कैसी है, पावर सप्लाई कैसा है, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मिक्स्ड लैंड यूज़ कैसा है आपके यहाँ, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसा है. इकोनॉमिक में आ जाता है जो आपको एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट. ओके, और इसमें आप देखो इंस्टीट्यूशनल और सोशल पैरामीटर जो हैं वो 25 पॉइंट अकेले कैरी करते हैं. ओके, एंड फिज़िकल फैक्टर्स जो हैं वो 45 पॉइंट्स कैरी करते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं वो 5 पॉइंट कैरी करते हैं. ओके, और टोटल ये 100 मार्क्स की रैंकिंग होती है और 100 में से डिफरेंट कंट्रीज़ को मार्क्स दिए जाते हैं. ये एक बहुत ही बेटर, मतलब परफेक्ट चार्ट है जिसमें आप इस इंडेक्स और गवर्नमेंट के डिफरेंट मिशंस को डायरेक्टली देख सकते हो कि ये दोनों कितने एक दूसरे से लिंक्ड हैं. अब मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ. आप देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये आपको पिक्चर दिखाई है. तो यहाँ पे आप फर्स्ट पे देखो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और जो भी ये थर्ड और सिक्स्थ हैं ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और फिफ्थ चंडीगढ़ है. तो टॉप 10 लिवेबल सिटीज़ की मैं चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको. यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट है पुणे जिसकी रैंक है 58.4 और ये शो करता है कि देर इज़ स्टिल अ वेरी लार्ज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्योंकि ये 100 में से 58.1 है. ओके, फिर सेकेंड पोजीशन पे आता है नवी मुंबई, थर्ड पे आती है ग्रेटर मुंबई, अगेन मुंबई में, फिर फोर्थ पे तिरुपति, ऑफ कोर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट सिटी है ये, फिर आती है चंडीगढ़ फिफ्थ पोजीशन, फिर थाने अगेन महाराष्ट्र, ओके, फिर रायपुर, फिर इंदौर एंड देन विजयवाड़ा एंड देन भोपाल. फाइन, देखो इस लिस्ट में पुणे ने फर्स्ट रैंक किया है, ठीक है, और बाकी जो टू और महाराष्ट्र की सिटीज़ हैं दो जैसे नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई, ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैं. सेकंड पे नवी मुंबई, थर्ड पे ग्रेटर मुंबई. ओके, और तिरुपति, चंडीगढ़, थाने, रायपुर, इंदौर, विजयवाड़ा, भोपाल, जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में दिखाई है, टॉप 10 की सिटीज़ हैं. ओके, और रामपुर जो है उत्तर प्रदेश में ये वर्स्ट रैंक हुआ है ऑन द स्केल विद कोहिमा एंड पटना ऑन द बॉटम 2 एंड 3 रैंक्स वाइल वाराणसी स्टैंड एट 33. ओके, सो कोहिमा, पटना एंड देन रामपुर आर लास्ट 3 कंट्रीज़ और कैलकटा को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग एंड शेयर दिस वीडियो टू द नीडीज हु नीड द हेल्प टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल इन आर कंट्री. दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप बाई ऑल ऑफ अस. सो यू कैन फाइंड दिस PDF ऑफ माई lecture on my telegram link. So if you like this video, please share this video and subscribe to the channel. So thank you for watching the lesson. God bless you all.